मुख्तार अंसारी सुबह जेल में सबसे पहले अखबार पढ़ता है, पूछता है जेल स्टाफ से क्या कोई दिल्ली से बड़ी खबर है। योगी दिल्ली में थे तो मुख्तार अंसारी पल पल की अपडेट ले रहा था। अपराधियों को इंतजार है कि योगी जाएंगे तो वो जेल से बाहर आएंगे। ये मुख्तार अंसारी है, ये पूर्वांचल का माफिया विजय मिश्रा और ऐसे ही न जाने कितने माफिया हैं जो यूपी की अलग अलग जेलों में बंद हैं। ये सभी अपराधी से माफिया इसलिए बने क्योंकि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ। अगर अखिलेश यादव या फिर मायावती की सरकार होती तो शायद ऐसे दर्जन भर माफिया जेल से बाहर होते, जो फिलहाल योगी की सरकार में जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, पूर्वांचल का माफिया और मुलायम सिंह यादव का सबसे करीबी विधायक विजय मिश्रा भी योगी सरकार में जेल में बंद है। ऐसे और भी अपराधी हैं जो यूपी की जेलों में सड़ रहे हैं। ऐसे में क्या आपको पता है, ये सभी जेल के भीतर एक ही दुआ करते हैं कि योगी को हटा दिया जाए तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बांदा जेल के एक सिपाही ने नाम न बताने के शर्त पर बताया कि मुख्तार अंसारी सुबह सुबह अखबार की ओर भागता है, पुलिस वालों से पूछता है कि दिल्ली में योगी को लेकर क्या चल रहा है। मुख्तार अंसारी योगी आदित्यनाथ को लेकर चिंतित है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि योगी को हटा दिया जाए। यही हाल यूपी के बाकी माफियाओं का है, जो चाहते हैं कि अगर योगी हट गए तो शायद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता भी खुल जाएगा। मुख्तार अंसारी बसपा से विधायक, जबकि विजय मिश्रा भी विधायक, लेकिन योगी सरकार में इन दोनों अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। दोनों अपराधी मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव के तमाम संरक्षणों के कारण अपराधी से माफिया बन गए। ऐसे में माफियाओं को योगी कैसे पसंद हो सकते, लेकिन इनका सपना हाल फिलहाल पूरा नहीं होने वाला। दरअसल योगी के चेहरे पर ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और योगी फिर से सीएम बन सकते हैं। ऐसे में यूपी में अपराध फैलाने वाले माफियाओं के लिए कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। सीएम योगी माफियाओं पर कार्रवाई के लिए पूरे एक्शन में। योगी के आदेश पे न सिर्फ कार्रवाई मुख्तार अंसारी पे हुई बल्कि अतीक अहमद जैसे तमाम बड़े माफियाओं पर भी कार्रवाई हुई। प्रदेश में ऐसे 30 से ज्यादा बड़े माफिया हैं जिन पे योगी सरकार पे कार्रवाई हुई। कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां अपराधियों पर पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई। कुछ ने तो खुद सरेंडर कर दिया, जबकि कुछ ने खौफ में आके अपराध करना छोड़ दिया। पुलिस एक एक कर माफियाओं के गैंग और अपराधियों सहयोगियों को भी नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है। ऐसे में सामान्य है कि कोई अपराधी योगी को पसंद नहीं करेगा। अपराधी तो चाहेंगे कि ऐसी सरकार हो जिसमें उनको संरक्षण मिले। अपराधियों का राज तो सपा बसपा की सरकार में खूब रहा, फिर समाजवादी पार्टियों की सरकार में भी खूब रहा, लेकिन योगी सरकार में नहीं चला। योगी के हटाए जाने की खबर का इंतजार इन सभी अपराधियों को है, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होने वाला। बहरहाल अपराधियों में योगी का खौफ कितना है ये बात किसी से छिपी नहीं है। योगी है तो यूपी के अपराधी मौन है, नहीं तो चुनाव नजदीक देख उनकी बंदूकें तन जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।